हेलो फ्रेंड, दिस इज गौरव। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि स्विच और हब क्या होते हैं, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। सो आज का हमारा सेशन है जिसके अंदर मैं बताऊंगा स्विच एंड हब के बारे में डिफरेंस। तो सबसे पहले हब क्या है। तो इनिशियली जब पुराने टाइम में जब कंपनीज को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना था, तो उनको ऐसे डिवाइस की जरूरत पड़ी जिसके थ्रू वो लोग एक दूसरे के साथ इंटर कम्युनिकेशन कर सके। जैसे कि जस्ट कंसिडर, यहाँ पे मेरे पास एक डिवाइस है, ये डिवाइस है हब डिवाइस। सो यहाँ पे जस्ट कंसिडर मेरे पास एक यूजर कनेक्टेड है, इसके बगल में दूसरा यूजर कनेक्टेड है, ऐसे तीन चार यूजर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, इस तरीके से जस्ट कंसिडर 1.1.1.1, दिस इज द फर्स्ट यूजर आईपी एड्रेस। सेकंड यूजर का आईपी एड्रेस है 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5। इन केस 1.1 को 1.2.3.4.5 इन लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो उनको कम्युनिकेशन करने के लिए ऐसे डिवाइस की जरूरत पड़े जो उनकी हेल्प कर सके, जो इस चीज को आसान कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में आया हब ए डिवाइस। तो हब ए डिवाइस कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये इमेज यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, सो हब इज अ डिवाइस विच इज वर्किंग ऑन अ फिजिकल लेयर। ठीक है, काफी सारे लोगों को लगता है हब जो मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है, ऐसा नहीं है। हब इज अ फिजिकल लेयर डिवाइस है जो कि ओएसएम मॉडल में जो लेयर वन है वो फिजिकल लेयर है। तो हब ये डिवाइस फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, तो काफी सारे टाइम ये पूछा भी जा सकता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, हमारे पास मल्टीपल इथरनेट डिवाइसेस। इथरनेट डिवाइसेस मतलब क्या, जैसे कि अगर मैं लैपटॉप देखता हूँ तो लैपटॉप इज माई इथरनेट डिवाइस, बिकॉज अगर आप देखते हो तो लैपटॉप को आप इंटरनेट प्रोवाइड करते हो तो आपको इथरनेट केबल के थ्रू ही कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता। लैपटॉप के पीछे की साइड में देख सकते हैं आप एक एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसके ऊपर पोर्ट होता है, दैट पोर्ट इज कॉल्ड एज इथरनेट पोर्ट। सेम एज यहाँ पे अगर मैं इस इमेज को थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा यहाँ पे जो पोर्ट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 8 पोर्ट्स है सबके सब RJ45 पोर्ट्स है, इथरनेट पोर्ट्स है। ओके, सो अगर मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस है, जैसे कि लैपटॉप हो गया या तो फिर मेरे पास यूजर पीसी हो गया, कंप्यूटर, ये सभी डिवाइसेस को अगर कनेक्ट करना है तो मुझे इथरनेट पोर्ट के साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, ब्रॉडकास्ट इनकमिंग ट्रैफिक ऑन ऑल पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जैसे कि हब में बताया था, हब इज अ डिवाइस इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ठीक है, प्लस इज अ सिंगल कोलिजन डोमेन, सिंगल कोलिजन भी होता है। अभी सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, सिंगल कोलिजन डोमेन क्या होता है, इट मीन्स जैसे कि हब इज नॉट ए इंटेलिजेंट डिवाइस, इतना इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। क्या होता है, जब अगर हब के ऊपर कोई डेटा आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ यूजर्स कनेक्ट करके किए हुए थे, तो मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5, दिस आर द यूजर्स आर कनेक्टेड हियर। अगर 1.1 को 1.4 या 5 के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो अगर वो अपना डेटा इस डिवाइस के ऊपर, मतलब हब के ऊपर अगर सेंड करता है, तो हब क्या बोलता है, मेरा काम है ब्रॉडकास्ट करना, आई विल डू द ब्रॉडकास्ट। उसको इस चीज से मतलब नहीं है कि 1.1 को 1.5 के साथ कम्युनिकेशन करना है और किसी और के साथ करना है। वो बोलता है मेरा काम है ब्रॉडकास्ट करना, मैं सभी पोर्ट जहां जहां पे इथरनेट पोर्ट के ऊपर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है सबको ब्रॉडकास्ट करने का काम करेगा, सबको वो डेटा दे देगा। ठीक है, तो ये मतलब इतना सिक्योर डिवाइस भी नहीं था। जस्ट कंसिडर 1.1 जो यूजर था, 1.1 को 1.5 के साथ कम्युनिकेशन करना था, तो जस्ट कंसिडर देयर इज सम कॉन्फिडेंशियल थिंग, तो उसको वो सब चीजें शेयर करना था उसके साथ। लेकिन हब बोलता है कि मैं तो ब्रॉडकास्ट हूँ, मैं तो ब्रॉडकास्ट करूंगा, तो 1.2, 1.3, 1.4 इन जो बाकी के यूजर्स थे उनको भी वो डेटा मिल गया। तो आई डोंट थिंक सो हब इज अ सिक्योर डिवाइस। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट, लेस सिक्योर इन द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग ये डिवाइस इतना सिक्योर नहीं है, इसका यूज भी नहीं किया जाता है आज के जनरेशन में। लेस इंटेलिजेंस एज हैज द एबिलिटी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग पोटेंशियल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द हब। जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया 1.1 को अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन 1.5 के साथ शेयर करना है, लेकिन हब तो बोलता है मैं तो ब्रॉडकास्ट करूंगा, इसका मतलब वो सभी को इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो इसके वजह से हब ये मार्केट में इनिशियली चला, बट प्रॉब्लम ये था, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम ये था कि सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, ब्रॉडकास्ट मतलब सबको ब्रॉडकास्ट करने का। नेक्स्ट थिंग, मैंने ये भी बताया था कि ये सिंगल कोलिजन डोमेन है। सिंगल कोलिजन डोमेन इन द सेंस व्हाट, अगर थोड़ा इमेज को बड़ा कर देता हूं मैं, इन केस कुछ यूजर्स इसके ऊपर कनेक्टेड है,
सेम एज मैं वही आई पी एड्रेस ले रहा हूँ 1.1 1.5 1.4 1.3 जस्ट कंसिडर 1.1 को अगर 1.5 के साथ कम्युनिकेशन करते समय डेटा पार्टिकल कोलाइड हो गया एक दूसरे के ऊपर बम्बार्डिंग हो गया तो ये डिवाइस इतना इंटेलिजेंट नहीं है ये पूरा का पूरा डिवाइस डाउन हो जाता है जबकि ऐसी सिचुएशन में 1.2 1.3 1.4 ये तो कंप्लीट करेंगे कि हमारा तो कुछ भी इशू नहीं था प्रॉब्लम तो 1.1 एंड 1.5 के बीच में हुआ है ठीक है लेकिन हब का प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हब इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन ब्रॉडकास्ट तो हमें पता ही है लेकिन सिंगल कोलिजन डोमेन सिंगल कोलिजन डोमेन मतलब क्या होगा अगर डेटा पार्टिकल कोलाइड हो गया तो ये मेरा पूरा का पूरा डिवाइस डाउन हो जाता था दैट इज लाइक वेरी वेरी बिग डिसएडवांटेज अगर जैसे ये डाउन हो गया मेरा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा अगर मेरा पूरा नेटवर्क डाउन हो गया तो यहाँ पे जितने भी यूजर्स कनेक्टेड है इस हब डिवाइस पे टोटल 8 यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं तो 8 यूजर्स का पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है तो हब इज नॉट दैट मच इंटेलिजेंट डिवाइस इंटेलिजेंस लेवल काफी कम है इस डिवाइस में तो इसीलिए उस टाइम पे काफी सारे लोग हब को लेके काफी सारी चीजें फेस कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हमें कुछ इस तरीके का डिवाइस चाहिए जो हब से बेटर परफॉर्म करे और हमारा रिक्वायरमेंट भी फुलफिल तो मार्केट में कुछ टाइम के बाद स्विच डिवाइस आया स्विच डिवाइस इंट्रोड्यूस हुआ सबसे पहले स्विच डिवाइस विच इज वर्क ऑन द डेटा लिंक लेयर ओएसएल लेयर में लेयर 2 है जिसको हम लोग डेटा लिंक लेयर बोलते हैं डेटा लिंक लेयर के ऊपर स्विच डिवाइस वर्क करता है अभी स्विच काफी सारे कंपनीज के आते हैं सिस्को के आते हैं डी लिंक के आते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज कॉपी किया है वो डी लिंक का स्विच है काफी सारे कंपनीज के स्विचेस आते हैं एक्सट्रीम के आते हैं सिस्को के स्विचेस आते हैं ठीक है उसमें भी कैटलिस्ट नेक्सस जैसी सीरीज आती है तो स्विच क्या कहता है स्विच भी ज्वाइन मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन वन लैन हमारे पास अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स है लाइक 10 12 15 20 40 50 इतने सारे कंप्यूटर्स है तो सभी के सभी मैं इस स्विच के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्विच के ऊपर भी RJ45 पोर्ट है जो कि हम लोग इथरनेट पोर्ट करके ही बोलते हैं तो इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं नेक्स्ट थिंग इट इज वेरी मोर इफिशियंट एंड सिक्योर ये काफी इफिशियंट एंड सिक्योर डिवाइस है बिकॉज इसके अंदर हम लोग कॉन्फिगरेशन वगैरह कर सकते हैं जो मैं स्विच की बात कर रहा हूँ स्विच के अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं लेकिन मैं ये स्विच की बात कर रहा हूँ ये स्विच हमारा मैनेजेबल स्विच है तो इसके ऊपर हम लोग कॉन्फिगरेशन कर सकते हैं अभी ये स्विच के अंदर एक अच्छा फीचर है जो मुझे अच्छा लगता है स्विच इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन जैसे कि मैंने बताया हब भी ब्रॉडकास्ट है ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या करता है जैसे इसके ऊपर कुछ ट्राफिक आ गया फ्रेम आ गया तो ये सबको फॉरवर्ड कर देगा वो मतलब होता है ब्रॉडकास्टिंग का ठीक है उसके बाद ये है मल्टी कोलिजन डोमेन ठीक है स्विच इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड मल्टी कोलिजन डोमेन यहाँ पे मुझे कुछ ड्रॉ करना है इसकी वजह से मैंने वो हटा दिया ठीक है अभी मल्टी कोलिजन डोमेन मतलब क्या होता है इन केस अगर मेरे पास कुछ स्विच है इस तरीके का इसके ऊपर कुछ यूजर्स कनेक्टेड है जस्ट कंसिडर हम लोग रैंडम यूजर ले लेते हैं 192.168.1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 सेम एज उसी तरीके से इन केस 1.1 1.3 के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है कुछ कारण की वजह से इनका डेटा पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर बम्बार्डिंग हो गया कोलाइड हो गया तो ऐसे सिचुएशन में ये जो मैनेजेबल स्विचेस होते हमारे पास स्विच की बात करो तो स्विच में ये जिस इंटरफेस के ऊपर कनेक्टेड है जिस पोर्ट के ऊपर कनेक्टेड है वो पोर्ट शट डाउन हो जाते हैं वो पोर्ट डाउन हो जाते हैं लेकिन जितने भी रिमेनिंग पोर्ट्स है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं इन केस 1.2 और 1.4 इन दोनों के बीच में कोलाइड होते समय कोलाइड हो गया जिसके वजह से इनका इंटरफेस डाउन हो जाएगा बट रिमेनिंग यूजर्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वो अपने आप वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज मल्टी कोलिजन ओके सो स्विच इज अ डिवाइस ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है मल्टी कोलिजन है सिंगल ब्रॉडकास्ट मतलब ये सभी को ब्रॉडकास्ट करेगा मल्टी कोलिजन मतलब इसके ऊपर अगर मल्टी कोलिजन होता है तो ये पूरा का पूरा डिवाइस डाउन नहीं होता है ये जिस इंटरफेस के ऊपर मतलब जिस यूजर इंटरफेस कनेक्टेड है स्विच के पोर्ट के ऊपर वही इंटरफेस डाउन होगा बाकी पूरा का पूरा स्विच वर्क करेगा स्विच ये काफी इंटेलिजेंट डिवाइस है ये मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड करने का काम करता है एज कम्पेयर टू द हब ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है ठीक है लास्ट पॉइंट जहां पे ये मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड करने का काम करता है इनिशियली स्विच ब्रॉडकास्ट करता है बट उसके बाद में ये यूनिकास्ट करता है जब भी हम लोग स्विचिंग टेक्नोलॉजी देखेंगे उसके अंदर मैं एड्रेस रिवॉल्यूशन प्रोटोकॉल आर टेबल के बारे में समझाऊंगा उस टाइम में आपका ये वाला पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट
स्विच दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है अनमैनेजेबल स्विचेस और सेकंड वन इज अ मैनेजेबल स्विचेस। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अनमैनेजेबल स्विचेस क्या होता है, ठीक है। तो मैं सिंपली डायरेक्टली गूगल ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि अनमैनेजेबल स्विचेस किस तरीके से दिखते हैं। ऐसे एक दो टाइप्स के नहीं, बहुत सारे टाइप्स के स्विचेस है, तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। देख सकते हैं यहाँ पे अनमैनेजेबल स्विचेस है, जस्ट कंसीडर दिस इज माय अनमैनेजेबल स्विच। अभी अगर आप ये स्विच देखते हो तो ये बहुत नॉर्मल सा स्विच है, टीपी लिंक कंपनी का स्विच है, इसके ऊपर टोटल 8 पोर्ट्स है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अनमैनेजेबल स्विचेस के अंदर हमें कुछ भी कॉन्फिगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, देयर इज नो रिक्वायर्ड कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ये प्लग एंड प्ले की तरह वर्क करता है। इट मीन्स मार्केट से लेके आओ, अगर मेरे पास 8 यूजर्स है तो 8 यूजर्स को मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा, सभी यूजर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज ये अनमैनेजेबल है। अनमैनेजेबल स्विचेस के अंदर हम लोग कुछ भी कॉन्फिगरेशन नहीं करते। नेक्स्ट थिंग, यूज फॉर द बेसिक कनेक्टिविटी। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे डेटा सेंटर में काम करना है, डेटा सेंटर में मैं ये स्विचेस का यूज करूंगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज डेटा सेंटर लेवल के लिए ये स्विच इज नॉट अ कंपेटेबल, ये स्विच का हम लोग यूज नहीं करते। तो अगर हमें होम पर्पस के लिए चाहिए या तो साइबर कैफे पर्पस के लिए चाहिए, एक छोटे नेटवर्क के लिए चाहिए, तो ये काफी अच्छा स्विच है फॉर द बेसिक कनेक्टिविटी। नेक्स्ट थिंग, ऑफ्टन सीन होम नेटवर्क लैब्स, लैब्स साइबर कैफे, हम लोग ऑफ्टनली इसको देख सकते हैं। इट इज वेरी लेस एक्सपेंसिव, 500,000 रुपीज तक अच्छे क्वालिटी का स्विच मार्केट में आराम से मिल जाता है। नेक्स्ट थिंग अबाउट द मैनेजेबल स्विचेस। अभी मैनेजेबल स्विचेस की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पैकेट ट्रेसर है, तो पैकेट ट्रेसर में काफी सारे स्विचेस का यूज करता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये जो स्विचेस, ये मैनेजेबल स्विचेस है। अभी ये मैनेजेबल क्यों है, जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस इमेज को थोड़ा जूम करता हूँ, ये जो मेरे पास स्विच है वो है 2960 सीरीज का कैटलिस्ट सिस्को स्विच है। तो इसके ऊपर अगर मेरे पास देख सकते हैं 24 पोर्ट्स का स्विच है ये, ठीक है। तो इस 24 स्विच पोर्ट के स्विच के ऊपर मैं 24 यूजर्स को कनेक्ट कर सकता हूँ, लैपटॉप या तो फिर मेरे पास यूजर पीसी है, मैं सभी को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इसको मैनेजेबल स्विचेस में क्या ऐसी चीज है कि उसको अनमैनेजेबल स्विचेस से डिफरेंट करता है। मैनेजेबल स्विचेस के अंदर मैं कॉन्फिगरेशन कर सकता हूँ, मतलब अभी जैसे कि मैंने बताया था, स्विच इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड द मल्टी कोलिजन डोमेन। अभी ये स्विच है मैनेजेबल, मैनेजेबल के अंदर अगर मैं देखता हूँ मुझे कुछ कॉन्फिगरेशन करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं शो विलेन करके चलाता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो मेरे पास कुछ विलेन है जो कि बाय डिफॉल्ट रूप से कॉन्फिगर है, मुझे कुछ नए विलेन कॉन्फिगर करना है, विलेन 10 मैं यहाँ पे कॉन्फिगर कर सकता हूँ, और कुछ विलेन कॉन्फिगर करना है विलेन 20 मैं यहाँ पे कॉन्फिगर कर सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब चीजें मैनेजेबल स्विच अनमैनेजेबल स्विचेस में ही होती है, ये चीजें अनमैनेजेबल स्विचेस में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मैंने तो थोड़ा बहुत एग्जांपल दिया, बहुत सारा कॉन्फिगरेशन है हम लोग कर सकते हैं, इसके अंदर भी कुछ प्रोटोकॉल्स है, स्विचिंग प्रोटोकॉल्स, वो भी हम लोग रन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इट इज मोर सिक्योर एंड फ्लेक्सिबल। अगर ये काफी सिक्योर है बिकॉज इसको सिक्योरिटी लेवल अच्छी है। नेक्स्ट थिंग, हम लोग इसके अंदर पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं, तो एक सिक्योरिटी के लिए काफी अच्छा काम में आता है। तो बेसिक पासवर्ड किस तरीके से लगाते हैं, मैं ये एक थोड़ा बहुत एग्जांपल देता हूँ, आने वाले सेशन में हम लोग और डिटेल में देखने ही वाले हो इसे। जैसे कि जस्ट कंसीडर करो, अगर मैं ये स्विच को रिलोड करता हूँ, तो रिलोड करने के बाद देख सकते ये बिना पासवर्ड पूछे मुझे एक्सेस दे देगा, मैं इसके अंदर कुछ को भी कॉन्फिगरेशन कर सकता हूँ। लेकिन जस्ट कंसीडर करो, अगर मैं तुम्हें अगर मेरा मोबाइल देता हूँ जिसके अंदर मैंने पासवर्ड वगैरह नहीं लगाया, तो आप इजीली मेरे मोबाइल का एक्सेस ले सकते हो, कुछ पर्सनल चीजें आप उसको सीन कर सकते हो। तो इसके वजह से क्या होगा, जो मोबाइल का सिक्योरिटी लेवल है वो कम हो जाएगा। तो सेम एज हियर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो स्विच, जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट में क्या बोला उन्होंने, मोर सिक्योर एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो अभी सिक्योर इसलिए क्योंकि हम लोग इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स भी रन कर सकते हैं। जस्ट कंसिडर, ये मेरा स्विच है, मैंने इसको कंसोल को पासवर्ड लगा दिया। जस्ट कंसीडर मैं सिस्को पासवर्ड लगा देता हूँ, लॉग इन एग्जिट, इसको सेव कर देता हूँ। अभी देखो, जस्ट कंसीडर मैं रिलोड करता हूँ इसको, तो जब भी लॉग इन होता है, जब भी रन होता है, तब ये मुझे पासवर्ड पूछेगा, कंसोल पासवर्ड। जब तक मैं पासवर्ड ना डालूँ तब तक वो मुझे यूजर मोड प्रिविलेज मोड में जाने ही नहीं देगा। तो हम लोग देखते हैं, देखो
पासवर्ड पूछ रहा है। जस्ट कंसिडर मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम भी गलत डाला, थर्ड टाइम भी गलत डाला, क्योंकि अगर मुझे पासवर्ड नहीं पता तो मैं कभी भी इसका एक्सेस नहीं ले सकता। अगर मुझे पासवर्ड पता है तो मैं इसका एक्सेस ले सकता हूँ। देखो सबसे पहले पासवर्ड पूछता है, तो इसीलिए मैं जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा स्मॉल एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस चीज के ऊपर, तो ये थोड़ा सिक्योर है, फ्लेक्सिबल है। लैंड ट्रैफिक के ऊपर हम लोग इसको इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज एक्सपेंसिव, इट्स नॉट लाइक कि आपको 500,000 2,000 रुपए में मिल जाएगा, काफी एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने कुछ स्विचेस देखे जो प्रीसेस टीम हमारी वो बाई करती थी, वो 40,000 से 1,1 लाख, 2,2 लाख, 10 लाख, 40 लाख तक रहते, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन अनमैनेजेबल एंड द मैनेजेबल स्विचेस। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।